बीजेपी का अंत है। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। मैं तो मोदी जी का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता। ये घोटालेबाज लोग हैं, इनके लोग कैमरे पे पकड़े गए, और ये हैं जुमलेबाज, झूठ बोलना इनकी फितरत में है, करप्शन की फितरत में है। फिर वो कहते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी तो वीडियो क्लिप और आएंगी, ये गोदी मीडिया ना दिखाए। आप सोशल मीडिया देखो, मन माने करेंगे, तानाशाही करेंगे, देश के लोग कहते हैं स्टेशन का नाम बदलने से ये विकास है। 5 लाख का बीमा योजना दिखा रहे हैं, बोर्ड लगा के अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, ये देखिए 5 लाख का बीमा, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते, झूठ बोलना इनकी फितरत में झूठ है। कोई राम राज्य नहीं इनका, कोई राम राज्य नहीं, विकास नहीं है, विनाश है। ये जो लोग हैं हर तरफ इनके घोटाले, ये सच नहीं बोलते, इनका इनके जो खून में झूठ भरा हुआ है। 5 राज्यों में बीजेपी का सुखड़ा साफ है, 5 राज्यों में बीजेपी का सुखड़ा साफ है। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, पूरा तहलका मचा हुआ है। कोई पार्टी कह रही है कि हम आ रहे हैं, दूसरे का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो दूसरी पार्टी कह रही है कि हम आ रहे हैं, दूसरे का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे अरुण मलिक जी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। आपका नाम नूर जहाँ है जी, बहुत अच्छा नाम है। हमारी एक अभिनेत्री भी होती थी नूर जहाँ, बड़ी अच्छी अदाकारा होती थी वो, आज याद उनकी भी आ गई। आप भी उसी तरह पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं। देखिए जो चुनाव की बात आपने की ना, ये हाथ का निशाना है कांग्रेस का, ठीक है। 5 गारंटी है, 5 राज्यों में बीजेपी का सुखड़ा साफ है, 5 राज्यों में बीजेपी का सुखड़ा साफ है। ये लोक कल्याण वालों का हाथ नहीं है, ये कांग्रेस का हाथ है। पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है हर जगह। तो आज देश के कोई भी व्यक्ति बीजेपी की बातों पर विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो देश के लोग, 5 राज्यों के लोगों ने देखा कि ये झूठे लोग हैं, इनकी बात पे विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी जी की बात पे विश्वास करते हैं, प्रियंका गांधी जी की बात पे विश्वास करते हैं, सोनिया जी की बात पे विश्वास करते हैं, खड़गे साहब जी की बात पे विश्वास करते हैं, और ये हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं लवली जी, उनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। ये हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, ये विश्वास पात्र लोग हैं देश के लोगों के लिए, और ये हैं जुमलेबाज, झूठ बोलना इनकी फितरत में है, करप्शन की फितरत में है, करोड़ों के घोटाले करना इनको आए, उजागर हो गए करोड़ों के घोटाले। तो घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज देश के सामने घोटालेबाज सामने आ रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से ले लो, कोई 18 करोड़, कोई 21 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई कहता 10,000 करोड़। फिर वो कहते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी तो वीडियो क्लिप और आएंगी, ये तो ट्रेलर, अभी फिल्म अभी बाकी है। जिन्होंने उजागर किया ना, कहते हैं ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म आपको और भेजेंगे। तो ये घोटालेबाज लोग हैं, इनके लोग कैमरे पे पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण याद होगा आपको, पकड़े गए थे रिश्वत कांड में। तो ये घोटालेबाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। घोटालेबाज कह रहे हैं, वही मोदी के आपने इंस्टा पे फॉलोवर देखे, 81 मिलियन लोग फॉलो करते हैं उन्हें, और आप झूठा बता रहे हैं, घोटालेबाज बता रहे हैं। वो सारे फॉलोवर झूठे हैं। जब उन्होंने अपना ट्वीट करा कि मैं यूट्यूब का हूँ, एक भी फॉलोअर नहीं आया। रवीश कुमार जी अच्छे जो सीनियर पत्रकार हैं हमारे, आदरणीय, हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सच्चे आदमी हैं। उन्होंने कहा एक भी आदमी ने सब्सक्राइब नहीं करा, एक भी आदमी ने लाइक नहीं करा, और जितने फॉलोअर श्री राहुल गांधी जी के हैं, लेकिन मोदी जी से तो कम है, मोदी जी से कम है। आप सुनिए तो सही, 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग राहुल जी के फॉलोअर हैं, राहुल जी के हैं। ये गोदी मीडिया ना दिखाए, आप सोशल मीडिया देखो, राहुल जी के फॉलोअर देखो, प्रियंका गांधी जी के फॉलोअर देखो, बोलने का अंदाज देखो, तहजीब देखो उनके बोलने की, क्या भाषण देते हैं, लोग गदगद हो जाते हैं। इनका भाषण लोग देते हैं, खाली टेंट हैं, खाली कुर्सियां, मंच पे हाथ हिलाते हैं, इधर हाथ, इधर हाथ हिला दिया, उधर हाथ हिला। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक भाषण में कह दिया था हमारी सरकार जा रही है 5 राज्यों से, फिर कह रहे नहीं सॉरी सॉरी आ रही है। आपने देखा, अभी देखा आपने, मध्य प्रदेश राजस्थान में लाखों लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लाखों लोग, और कितने 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करते हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी के पुत्र हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सच्चे आदमी हैं, संत हैं, बीजेपी का अंत है। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। तो क्यों घबराएं, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका,
बीजेपी के लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लवली जी का इरादा नेक। खड़गे जी, मोदी जी के इरादे नेक, सुनिए ना, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लवली जी का इरादा नेक, मजबूत कांग्रेस, भारत एक। ये है कांग्रेस, लोग विश्वास करते हैं इस कांग्रेस पे, लोगों को ट्रस्ट है, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जो हम कहते हैं करते हैं, करके दिखाते हैं। आपको सारे दुनिया देख रही है, जैसे प्रियंका जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, आप छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछो, मध्य प्रदेश के लोगों से पूछो, हिमाचल के लोगों से पूछो, राजस्थान के लोगों से पूछो, ये 5 लाख का बीमा योजना दिखा रहे हैं, बोर्ड लगा के अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, ये देखिए 5 लाख का बीमा। तो अशोक गहलोत जी ने दिखाया 25 लाख का बीमा, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 का बीमा राजस्थान में लोगों के आप फ्री अस्पताल में कर सकते हैं। इनके तो कोरोना में अस्पतालों में ऑक्सीजन ही नहीं थी, लोग मर गए, लोग बिहार चले, कुछ लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी इन्होंने। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते, झूठ बोलना इनकी फितरत में झूठ है। आपने वो नहीं देखा नीतीश कुमार ने कैसा बयान दिया है, एकदम अपमानजनक महिलाओं के बारे में बोला है, और आप कह रहे हैं अच्छी तरह से बात। ना मैंने उनका बयान सुना, ना मैंने देखा, मैं क्यों करूँ, मैं उल्टी सीधी बातों में नहीं जाता, जो चीज़ मुझे पता है मैं उसी के बारे में बोलूँगा, मुझे जो उनको पता मुझे नहीं पता क्या। हम तो अपनी कांग्रेस के बारे में बोलेंगे, अपने नेताओं के बारे में बोलेंगे, हमारे नेता सच्चे हैं, साफ हैं, एक भी दाग नहीं है हमारे नेताओं पर। तो मोदी जी भी सच्चे हैं, साफ हैं, जिन्होंने वादे करे हैं निभाए हैं। रोजगार की बात करी, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया है क्या मोदी जी ने? मुझे एक आदमी का रोजगार दिखा दो, नियुक्ति पत्र दिखा दो, एक व्यक्ति का। योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है? योग्यता कहाँ है, योग्यता तो डिग्री लेकर घूम रहे हैं लोग बेचारे सड़कों पे, 2 करोड़ लोग बेरोजगार युवक सड़कों में घूम रहे हैं, ये बिना डिग्री वाले देश में प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथों की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। लोग रो रहे हैं इनको, आज इनको बैठे हैं ना ये गांधी के हत्यारों के, गांधी जी जी, ये राम को क्या पूछेंगे? अरे राम को तो महात्मा गांधी जी पूछते थे, राम उनके दिल में थे, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी नीतियों में हम विश्वास करते हैं, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी, जब उनको नाथूराम राष्ट्र ने गोली मारी तो तब भी उन्होंने कहा हे राम, वो थे महात्मा गांधी जी। आप मोदी जी को नहीं देख रहे हैं, राम राज्य बना रहे हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, कोई विश्वास, कोई राम राज्य नहीं इनका, कोई राम राज्य नहीं, ये विकास चाहते हैं, विकास नहीं है, विनाश है, ये विकास कांग्रेस चाहती है, ये विनाशपुरी लोग है, विनाश, सबका साथ सबका विकास, गरीबों को भी लेके चल रहे हैं वो आगे, सबका विनाश चाह रहे हैं, देश का भी विनाश चाह रहे हैं, किसी का कोई विकास नहीं हुआ। देशों के नाम, प्रदेशों के नाम बदलने से, रोडों के नाम बदलने से, स्टेशनों के नाम बदलने से ये विकास है? आप इसको विकास बोलेंगे, मैं इसको काटा मारता हूँ, रॉन्ग, इसको रेड कलम से रॉन्ग करता हूँ। स्टेशन का नाम बदलने से, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदलने, प्रयागराज रखने का, ये रॉन्ग, स्टेशन का नाम रॉन्ग, सड़क का नाम, वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, मन माने करेंगे, तानाशाही करेंगे, देश के लोग कहते हैं स्टेशन का नाम बदलने से ये विकास है, इसको आप विकास कहेंगे? विकास कहेंगे? बेचारा बेरोजगार युवक घूम रहा है नौकरी के लिए, MBA लड़के घूम रहे हैं, डिग्री अपने पास, लाखों रुपए उनके माँ बाप ने खर्च किया, डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहाँ दिया है रोजगार कांग्रेस ने? कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, कुछ काम करिए। अच्छा अच्छा, तो ये आत्मनिर्भर थे, ये आत्मनिर्भर हैं, इनके लोग आत्मनिर्भर हैं, किसी स्टेटों में इन्होंने काम दिया, बताया ना प्रियंका जी ने भी, मध्य प्रदेश 3.5 साल में प्रियंका जी की बात सुन के लोग दंग रह गए, 3.5 साल में 21 लोगों को काम दिया, 3.5 साल में 5, 10, 15, 20, 21 लोगों को काम दिया, ये प्रियंका जी ने खुलासा किया। ये जो लोग हैं हर तरफ इनके घोटाले हैं, ये सच नहीं बोलते, इनका इनके जो खून में झूठ भरा हुआ है, कांग्रेस के लोगों में सच है, क्योंकि आज़ादी कराई, आज़ाद कराया देश को, तो वो आज़ादी का खून कांग्रेस के लोगों में है, सच्चा खून है, देशभक्ति है कांग्रेस के लोगों में, हम देशभक्त लोग हैं, हम अपने देश के गुलाम नहीं, गुलामी से आज़ाद कराया, हम गुलाम नहीं, ये देश को फिर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, देश को कर्ज की तरफ ले जा रहे हैं,
किसानों का ना कर्ज माफ़ करते हैं, किसानों को बेरहमी से पीटते हैं, किसानों को दिल्ली में ना बेचारे हमारा पेट भरते हैं, उनके सड़कों पे कील ठोकते हैं कि आप नहीं आ सकते, अपना हक मांगते हैं। किसानों को कर्ज माफ़ किया ना हमारी सरकारों ने। आपने मोदी जी का विकास नहीं देखा है, विदेशों में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं। मैं तो मोदी जी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। मेरे सामने राहुल गांधी बोलिए, प्रियंका गांधी बोलिए, खड़गे साहब बोलिए, कांग्रेस बोलिए, जो देश की हिताशी है, ये तो देश के बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को बर्बाद करते हैं। हम मोदी जी को सुनने वाले 24 में साफ है, सुपड़ा 9 साल से सरकार चला रहे हैं और देश को बर्बाद करेंगे वो। 9.5 साल बर्बाद कर दिया पूरे देश को, क्या किया देश बताइए। मैं आपको 9 साल बेमिसाल रहे हैं। अच्छा, 400 रुपए किलो टमाटर आप लेंगे घर पे, आपने 400 रुपए किलो का अदरक ले गए, गरीब आदमी और टमाटर और अदरक की चटनी खा रहा है, पता है आपको। इनके राज में धनिया 400 रुपए मिला, जीरा 1200 रुपए, सिलेंडर 900 साढ़े 900, कांग्रेस के राज में 410 रुपए का सिलेंडर है। कांग्रेस के राज में आप अच्छी पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा नाम आपका नूर जहां, हमें पुरानी अभिनेत्री भी याद आती है। आपने कांग्रेस के राज में 400 रुपए किलो टमाटर लिया, सच बताना, 400 रुपए किलो अदरक लिया, जीरा लिया 1200 रुपए किलो, धनिया लिया 400 रुपए किलो, आप तो जो रोजे चलते थे। महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है ना। 400 रुपए किलो नींबू लिया आपने कभी, लिया कांग्रेस के राज में कभी इतनी महंगाई आपने देखी, देखी वो। अब फिर इनका वही सिस्टम शुरू हो रहा है, 100 रुपए किलो प्याज टमाटर फिर महंगा हो रहा है। प्याज की बात करें, प्याज मोदी जी 25 रुपए किलो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, लोगों से पूछिए ना, लोगों ने बताया है। कहाँ दे रहे हैं, लोगों ने बताया 25 रुपए किलो मार्ग में दे रहे हैं, लोक कल्याण मार्ग में, जहाँ लोग तो आए नहीं, कभी कोई देखा नहीं उनको, लोग ले भी रहे हैं खुशी खुशी ले रहे हैं। लोक कल्याण मार्ग में एक भी दरबार नहीं देखा उनको जाए। राजीव जी अपने जब प्रधानमंत्री थे, लोगों में आते थे, सारे प्रदेश के लोग आते थे, सारे मिलते थे उनको। आपके लोक कल्याण मार्ग में जनता को देखा किसी को मिलते, अकेले रहते हैं। और ये आप 24 में अकेले हो जाएंगे, सुफड़ा साफ है। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ अरुण मलिक, जिन्होंने बताया जो 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही 2024 में भी बीजेपी की सरकार साफ होती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। जनता चुनेगी किसकी सरकार बनानी है किसकी नहीं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें जनता आवाज़।